लो स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द लाइव क्विज थ्री तो ओवरऑल ये फिजिक्स वाला जो क्विज था ये बहुत डिफिकल्ट नहीं था हाँ मतलब पिछले uh, दो क्विजेस के कम्पेरिजन में कुछ दो तीन क्वेश्चन थे जो थोड़े ट्रिकी थे बट अभी भी uh, जैसा कि मैं क्विज के टाइम में भी बोल रहा था कि टेन क्वेश्चन करेक्ट तो हो सकते थे आउट ऑफ टोटल फिफ्टीन क्वेश्चन तो डिस्कस करते हैं तो so, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये कंडक्टर्स के ऊपर है

तो ये 90 डिग्री होगा तो पाइथागोरस से ये आ जाएगा 5 meters. तो फिर आप हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है बी पे ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस तो उसके लिए क्या करते हैं कि पहले हम सेंटर पे पोटेंशियल निकाल लेते हैं सेंटर पे पोटेंशियल कि अगर चार्ज से हमने कैसा चार्ज रखा से पॉजिटिव चार्ज रखा है प्लस क्यू है तो प्लस क्यू के कारण इस स्क्र पे इंडक्शन होगा इंडक्शन के कारण इधर कुछ नेगेटिव चार्जेस आएंगे और इधर कुछ पॉजिटिव चार्जेस आएंगे ऐसा कुछ होगा तो इन पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के कारण सी पॉइंट पे पोटेंशियल बताना पहले आसान है ज्यादा आसान है

तो फिर ये KQ बाई फाइव हो जाएगा पोटेंशियल एट सी के कंडक्टर होता है कंडक्टर इज इक्वी पोटेंशियल इक्वी पोटेंशियल कंडक्टर के सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होते हैं तो फिर हमने C पॉइंट पे जो पोटेंशियल निकाला है वो निकालना इजी था लेकिन C पॉइंट पे निकाल लिया है तो B पॉइंट पे भी वही होगा बी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा उसमें पोटेंशियल एट बी को मैं लिख सकता हूँ पोटेंशियल ड्यू टू क्यों क्यू के कारण जो बाहर में रखा उसके कारण तो कौन तो सा डिस्टेंस आएगा ये फोर मीटर्स आ जाएगा ए बी डिस्टेंस आ जाएगा तो ए बी डिस्टेंस हो जाएगा फोर तो ये बन जाएगा K -Q 4, और v तो यहां से वी इंड्यूस्ड हमें मिल जाएगा वी इज़ बेसिकली के तो कॉमन ही आ जाएगा 1 by 5 minus 1 by 4. तो इसमें अगर वैल्यूज कैलकुलेशन थोड़ा कैलकुलरफुल करना है पॉवर नाइन क्यू दे रखा है पॉवर माइनस सिक्स और ये वाला टर्म कितना है तो वन बाई फाइव माइनस वन बाई फोर तो दिस इज फोर माइनस फाइव यानी कि माइनस वन अपॉन ट्वेंटी ये हो गया आ गया तो इसको फिर क्या लिख सकते हैं किलो वोल्ट के में है, जो आंसर वो किलो वोल्ट के में, तो आ जाएगा माइनस ऑफ uh, मैं ऐसा करता हूं कि अपॉन को अलग कर लेता हूं और बचा हुआ तो 9 अपॉन ट्वेंटी जीरो पॉइंट फोर फाइव किलो वोल्ड्स हो जाएगा ड्यू टू इंड चार्जेस तो यही इसमें बताना था माइनस ऑफ 0.45 किलो आ रहा है तो फिर आंसर इसमें इसमें देखोगे तो ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का तो ये कंडक्टर्स का क्वेश्चन वैसे ही था जैसा हम क्लास में ये बेसिक थ्योरी हम पढ़ ही चुके थे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो ये अगेन कंडक्टर्स को कनेक्ट करने वाला क्वेश्चन है कि दो कंडक्टर्स हैं दो स्पेयर्स हैं दो स्पेयर्स हैं और दोनों स्पेयर्स दूर में रखे और फिर हम एक वायर से इनको कनेक्ट कर रहे हैं और चार्ज कितना है तो रेडियस दे रखा है एक का रेडियस आर मान लो अगर मैं इसको ए बोल रहा हूं तो इसका रेडियस दे रखा है फोर सेंटीमीटर और दूसरा बी वाला जो है इसका रेडियस दे रखा है सिक्स सेंटीमीटर और इस पे चार्ज हमने दिया था एटी माइक्रोकुल्स शुरू में एटी माइक्रोकुल्स दिया था और इस पे दिया था फोर्टी माइक्रोकुल्स तो फिर हम स्विच क्लोज कर रहे हैं स्विच क्लोज कर रहे हैं तो स्विच अगर क्लोज करेंगे तो फिर चार्जेस इन दोनों के बीच में एक्सचेंज होगा और तब तक एक्सचेंज होता रहेगा जब तक पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए तो उसके लिए हम ये मान लेते हैं कि इसका चार्ज माइक्रोकुल्स से 80 से चेंज होकर ये कुछ QA हो गया और ये फोर्टी कूलम से चेंज हो के कुछ क्यू बी हो गया तो फाइनली क्या होगा कि सिर्फ हम ए का ही पोटेंशियल लिखेंगे तो सिर्फ उसी का चार्ज आ जाएगा तो उसका चार्ज हमने क्यू मान रखा है अपॉन आर एक्वल टू के इन टू क्यू बी अपॉन आर बी ये बन जाएगा तो यहां से फिर हमें मिल जाएगा क्यू ए अपॉन क्यू हमारे पास चलो अभी इसको आर एपन ही लिखते हैं फाइनली आंसर में हम सब शूट कर देंगे अच्छा इसमें इस, इस लिखते समय ये ध्यान रखना है कि हमने फार पार्ट का यूज किया है कि पोटेंशियल लिखा जैसे ए का पोटेंशियल लिखते समय हमने सिर्फ ए वाला चार्ज कंसिडर किया कि

और चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो रेडियस के रेशियो में रेडियस के रेशियो में तो वहां से सीधा ये बोल सकते हैं कि जो होगा वो हो जाएगा अपॉन और इनटू टोटल टोटल चार्ज कि रेडियस के रेशियो में अगर डिवाइड हो रहा है तो क्यूबे पे ही हो जाएगा अब इसमें आर ए दे रखा है कितना आई थिंक एक का चार सेंटीमीटर दे रखा है और ए का है फोर सेंटीमीटर और बी का है सिक्स सेंटीमीटर तो ये हो जाएगा फोर अपॉन सिक्स प्लस फोर अच्छा इसमें कन्वर्ट नहीं कर रहा हूं मैं मीटर्स में क्योंकि सेंटीमीटर ऊपर भी आएगा नीचे भी आएगा तो वो तो कैंसिल ही हो जाएगा और यहाँ पे है ये वन ट्वेंटी और ये फिर माइक्रो माइक्रोकुल्स में है तो ये कितना आ रहा है तो सिक्स प्लस फोर यह टेन हो जाएगा तो एक जीरो कैंसिल हो जाएगा तो ये आ रहा है फोर्टी एट माइक्रोकुलम्स फोर्टी एट माइक्रोकुल्स आ रहे तो ए पे चार्ज पहले था एटी माइक्रोकुलम्स और अब हो गया फोर्टी एट माइक्रोकुलम्स ये ये क्यूए कितना आ गया ये क्यूए की वैल्यू आ गई फोर्टी एट माइक्रोकुलम्स तो फिर चार्ज फ्लो किधर किया तो ए पे चार्ज कम हुआ है तो कम होने का मतलब ये है कि इस पर अगर फ्लो का डायरेक्शन देखूंगा तो कुछ इधर चार्ज फ्लो किया होगा कितना फ्लो किया होगा तो जितना ए पे चार्ज में चेंज आया है, तो वो चेंज आया आया है है तो तो वो माइक्रो का इतना चार्ज फ्लो हुआ है और किधर फ्लो हुआ है फ्रॉम ए टू बी तो फिर ये सही किसमें दे रखा है तो दिस इज करेक्टली गिवन इन ऑप्शन डी ये इसका सही आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो काफी इजी है डाइपोल का तो डाइपोल ने बोल रखा है कि एक ऐसा इक्विलेटरल ट्रायंगल है एक मिनट इक्विलेटरल ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे हमने चार्ज रखे हुए एक एक पे चार्ज रखा है क्यू क्यू और माइनस क्यू तो लेट से मैंने बोल दिया कि आ, क्यू यहां पे है एक क्यू है एक यहां पे क्यू है और यहाँ पे है माइनस ऑफ टू क्यू ऐसे रखा हुआ है तो फिर इस तरह के क्वेश्चन टू क्यू को हम माइनस क्यू अलग से और माइनस क्यू अलग से ऊपर वाला प्लस क्यू मिलकर एक डाइपोल इधर मिल जाएगा पी वेक्टर और इस पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा तो वो जाएगा क्यू इन टू है और दूसरा डाइपोल बन जाएगा इस माइनस क्यू और राइट वाले पी के साथ ये

तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था ये तो सबका सही होना चाहिए था नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ये कंडक्टर पे है तो क्वेश्चन बड़ा सा लग रहा है बट थोड़ा पेशेंटली अगर तुम पढ़ोगे क्वेश्चन को डायग्राम बनाओगे तो फिर ये भी ज्यादा मुश्किल नहीं था तो इसमें क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक सॉलिड कंडक्टिंग स्पेयर है ऐसा सॉलिड कंडक्टिंग स्पेयर है इस पे चार्ज क्यू है और सराउंडेड बाय एन अनचार्ज कॉन्सेंट्रेट और तो बाहर मतलब uh, तो तो वाले प्लस क्यों आ जाएगा ऐसा होगा तो बोल रहे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सर्फेस एंड सॉलिड स्पेयर सर्फेस ऑफ सॉलिड स्पेयर स्फेयर ऑफ दिल तो हमारे पास एक पॉइंट इस यहां पे है सरफेस ऑफ द सॉलिड स्पेयर एक ए पॉइंट है और एक यहां पे स्फेरिकल शेल का आउटर सरफेस वैसे कंडक्टर्स में फिर पॉइंट कहां पे है ये बोलने की जरूरत नहीं बिकॉज कंडक्टर पूरा इक्विपोटेंशियल ही होता है तो बेसिकली ये है कि अंदर वाला कंडक्टर और बाहर वाले कंडक्टर जो शेल है उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस इसकी वैल्यू वी है अब बोल रहा है कि सेकंड केस में हमने क्या किया है कि शेल को चार्ज दे दिया माइनस क्यू तो अब कैसा होगा कि अगर बाहर वाला शेल है इस पे बोल रहा है कि हमने चार्ज माइनस क्यू दे दिया माइनस थ्री क्यू दे दिया पहले ये न्यूट्रल था अब हमने माइनस थ्री क्यू दे दिया तो अंदर वाला सॉलिड अगर तो अंदर वाला सॉलिड स्पेयर पे तो चार्ज क्यों ही था और इसको अगर दे भी देंगे तो फिर स्फेरिकल शेल के बाहर स्वेरिकल यहाँ पे तो माइनस क्यों ही रहेगा ना तो माइनस थ्री क्यू देने के कारण ये होगा कि पहले ये था कि यहां पे चार्ज प्लस क्यों था बिकॉज ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था तो अंदर वाले पे माइनस क्यू तो बाहर वाले सर्फिस प्लस क्यू यहां पे अंदर वाले पे सर्फिस क्यों ही रहेगा ये क्यों रहेगा तो ये तो गॉस से आ जाएगा कि अगर मैं कंडक्टिंग शेल के अंदर वाले पॉइंट्स तो तो अंदर में पे चार्ज Q है, तो कंडक्टिंग शेल के अंदर वाले पे चार्ज माइनस क्यू ही होगा तो ये तो ईजी है तो जो माइनस का इफेक्ट दिखेगा वो बाहर वाले सर्फिस पे दिखेगा कि वो माइनस टू हो जाएगा ये समझ में आ रहा है तो फिर अंदर वाले रीजन में अगर देखें अब इस माइनस Q, जो बाहर वाला है इसका तो फील्ड अंदर में जीरो होगा इसका फील्ड अगर अंदर में देखेंगे तो ई इन साइड होगा डिफरेंस ए से बी के बीच में जो फील्ड है उस पर डिपेंड करेगा तो वो ए से बी का बीच का जो फील्ड है ये पॉइंट अगर ए था और ये बी था तो ए से बीच इसके बीच में जो फील्ड है फील्ड बिटवीन अंदर में जो फील्ड है ई इनसाइड

ये बात समझ में आ रही है वी रहेगा अच्छा इसमें अगर ये होता कि बाहर का कोई पॉइंट होता मान लो बाहर का कोई पॉइंट होता ये इसका एक एक्सटेंशन हम थोड़ा लेट से दूसरा दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं इसी इसी सेटअप में इसका एक्सटेंशन ये कि मान लो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया कुछ M ले लिया और यहाँ पे पॉइंट मैंने एन ले लिया और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस था कि अगर ऐसा बोला गया कि मान लो हमने पॉइंट लिया है इफ ऐसा है कि पहले अगर वी एम अगर ये कुछ वी नॉट था लेट से पहले था तो अब ये क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा कि यहां पे अगर सेम वो पॉइंट्स अगर सेम है एम और एन तो अब ये क्या हो जाएगा तो इसमें सोचो हो क्या होगा तो ये बाहर वाले पॉइंट्स पे जो पोटेंशियल होता है पोटेंशियल एट आउटसाइड पॉइंट्स वो ये वाला जो सॉलिड स्पेयर पे क्यू है और ये माइनस क्यू है इसका मिलकर तो फील्ड बाहर में जीरो होगा तो ये ये जो चीज है ये चीज है ये डिपेंड्स डिपेंड्स ओनली ऑन आउटर सरफेस चार्ज आउटर सरफेस चार्ज तो ये सिर्फ आउटर सरफेस वाले चार्ज पे डिपेंड करेगा। तो अगर पॉइंट्स वही है, तो आउटर सरफेस पे चार्ज पहले प्लस क्यू था और अब माइनस ऑफ टू क्यू हो गया तो ये फिर चेंज हो जाएगा दिस विल चेंज ये वी एम माइनस वी एन ये चेंज हो जाएगा ये चेंजेस और चेंज होकर कितना हो जाएगा तो ये तुम निकाल सकते हो क्यों क्या करोगे कि बाहर वाले पॉइंट के कारण सिर्फ पोटेंशियल क्यों था तो वो के आर और, और जाएगा। जाएगा, साइन भी, भी चेंज हो जाएगा ठीक है तो ये कर सकते हो अगर जरूरत पड़े तो इसमें था अंदर वाले पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस में फर्क नहीं पड़ा चार्ज देने से लेकिन अगर बाहर वाले पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाता तो उस पर फर्क पड़ जाएगा अगर हमने

इसमें देखते हैं बोल रखा है दो कॉन्सेंट्रेट कंडक्टिंग शेल्स है ए एंड बी एक का रेडियस आर है दूसरे का टू आर है तो एक ये शेल है और दूसरा इसके डबल रेडियस का शेल है ऐसा है। और चार्ज हमने कहां पे रखा चार्ज एट द सेंटर ऑफ शेल्स तो हमने यहां पे सेंटर पे एक चार्ज क्यू रख दिया है और फिर क्या बोल रखा है कि शेल बी बी कौन सा है तो अंदर वाला है आर रेडियस वाला ए है और 2r रेडियस वाला b है तो फिर हमने शेल b को अर्थ करके रखा है इसको अर्थ करके रखा है और चार्ज q इज गिवन टू शेल ए तो शेल ए पे हमने चार्ज q दे दिया है तो बताना है चार्ज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए एंड b ये कितना कितना है ठीक है तो इसमें कहां से स्टार्ट करेंगे तो पहले हमने अंदर में ये जो अंदर वाला शेल है इस अंदर वाले शेल के अंदर हमने q चार्ज रखा है तो फिर A वाले शेल के अंदर वाले पे माइनस क्यू चार्ज आएगा जा अब तक तो पता चल चुका हमने Q ही दिया है। तो फिर बी तो के अंदर वाले सर्फिस पे माइनस ऑफ टू क्यू आ जाएगा और इसके बाहर वाले सर्फेस पेट पे से चार्ज क्यू डैश आ गया तो एक हमें क्यू डैश बताना एक तो आ गया कि ये जो टू क्यू ए मतलब जो बाहर वाले सरफेस से पूछा गया था वो यही वाला था तो ये तो हमें आ गया कि इसकी वैल्यू तो टू क्यू है एक तो मिल गया अब क्यू बी पूछा है उसका पोटेंशियल जीरो कर देंगे जिसको अर्थ करते हैं उसका पोटेंशियल जीरो करेंगे ठीक है तो उसका अगर पोटेंशियल जीरो कर रहे हैं तो हमने उसका एक पॉइंट ले लिया मान लो हमने इसका बाहर वाला ये पॉइंट ले लिया और इस पॉइंट को हमने पोटेंशियल जीरो कर दिया

Q, जो a के अंदर वाले पे है वो भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा सिमिलरली टू क्यू बाहर वाले सर्फिस पे रखा तो center, तो उसके कारण हो जाएगा के इन टू टू क्यू अपॉइंट टू आर और जो माइनस टू क्यों बी के अंदर वाले सर्फिस पे है उसके कारण हो जाएगा माइनस ऑफ टू क्यू अपॉइंट टू आर तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा और फिर एक और बचेगा q' के कारण तो आ जाएगा k into q' upon 2r जीरो तो ये अगर देखोगे तो यहां से फिर ये इंप्लाई हो जाएगा कि q' इज आल्सो गोइंग टू बी 0 q' भी जीरो होगा ठीक है ये हमने ऐसे कैलकुलेशन करके सोच लिया अच्छा इसको लॉजिकली हम ऐसे ही सोच सकते थे कुछ कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं थी हम क्या सोचते कि बाहर वाले पॉइंट्स पे

जीरो करना है तो ये जीरो करने के लिए बाहर वाले जो है, सिर्फ उसी के कारण वाले का तो बाहर है नहीं। कि देखो लेफ्ट मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे ये होगा ड्यू टू क्यू डैश ओनली क्यू डैश ओनली सिर्फ बाहर वाले सर्फिस पे चार्ज के कारण होगा बिकॉज अंदर वाले में जो भी चार्जेस होते हैं उन सबका मिला के बाहर में फील्ड जीरो होता है ये तो हमने बोला ही है। तो अगर पी पॉइंट पे सिर्फ क्यूडैश का फील्ड है तो फिर इन्फिनिटी से लेकर सर्फेस तक आने में जो भी वर्क करना पड़ेगा एक्सलेंजेंट को जिसके कारण बाहर वाले पोटेंशियल की वैल्यू आएगी वो भी सिर्फ क्यूडैश पर डिपेंड करेगा तो वो वैल्यू जीरो जीरो होने के लिए Q को होना पड़ेगा बिकॉज अगर Q का इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर है तो फिर पोटेंशियल आ जाएगा सर्फिस पर बिकॉज मैं इन्फिनिटी से सर्फिस तक लाऊंगा अगर चार्ज को तो कुछ वर्क करना पड़ेगा एक्सलजेंट को तो विल गेट अ वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल तो अगर मैं बाहर वाला कंडक्टर को पोटेंशियल को जीरो करना है तो फिर बाहर में फील्ड भी जीरो होना चाहिए तो ये फील्ड हमें जीरो चाहिए तो फील्ड जीरो चाहने के लिए क्यूडैश की वैल्यू शुड बी जीरो ठीक है तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता था चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ये अगेन सिंपल सा क्वेश्चन है दो चार्जेस का मैग्नीट्यूड बोल रखा है एक यूनिट मैग्नीट्यूड है यानी वन यूनिट और पोटेंशियल का ग्राफ दे रखा है तो पोटेंशियल का ग्राफ है और जैसे ओरिजिन पे दिख रहा है ना कि ओरिजिन पे तो जीरो है पोटेंशियल क्यों जीरो है बिकॉज एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है और दोनों के कारण इक्वल डिस्टेंस है तो जीरो तो आ ही गया अब उसमें कि जीरो के राइट right साइड में पॉजिटिव है तो जैसे इस पॉइंट की अगर बात करूं मैंने एक पॉइंट अगर ले लिया मान लो यहां वाला पॉइंट ले लिया तो यहां वाले पॉइंट पे हमें दिख रहा है कि पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होने का मतलब यह है कि डिस्टेंस अगर देखोगे कि पोटेंशियल कितना होता है पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल होता है पोटेंशियल टू पॉइंट चार्ज होता है के क्यू बाई आर ये होता है पोटेंशियल टू पॉइंट चार्ज तो अगर यहां पे पॉजिटिव आ रहा है

यहाँ पे चल नेगेटिव रखा हो तो इसमें यही था तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आंसर इज गिवन करेक्टली इन ऑप्शन सी वन लेफ्ट पे पे और प्लस वन राइट वाले ठीक है <laughs> बाकी जगहों पे भी देखोगे तो सही बैठ रहा होगा कि इन्फिनिटी यहां पे बिल्कुल इस पॉइंट के पास ले आएंगे तो आर की वैल्यू जीरो इन्फिनिटी जा रहा है और राइट में भी इन्फिनिटी ही है बट पॉजिटिव तो है ही तो ये पोटेंशियल का सही सही ग्राफ है पॉइंट चार्ज के बिल्कुल पास पहुंच जा रहे हैं तो वैल्यू इंफिनिटी चली जा रही है एक बहुत जा 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 जाएंगे, तो वैल्यू माइनस इन ये, ये लॉ का एक अच्छा क्वेश्चन है तो इसमें थोड़ा हम डायग्राम बना लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है इलेक्ट्रिक वेक्टर ऐसा क्यों फोर आई कैप प्लस इंटू वाई स्कॉर पॉइंट टू जे कैप और हमें एक ग्वासिन सरफेस जो है दैट इज क्यूब ऑफ साइड वन मीटर जो कि ऑरिजिन पर रखा हुआ है तो डायग्राम बना लेते हैं तो लेट से ये हमारा एक्सिस हो गया एक्स वाई जेड ऐसा एक्सिस हो गया और फिर ग्वासन सरफेस जो है वो क्यूब है तो उस क्यूब को हम ऐसे बना लेते हैं ऐसा कुछ ये वन यूनिट लेंथ का क्यूब है ठीक है अब फ्लक्स बताना फ्लक्स फ्लक्स थ्रू द क्यूब निकालेंगे तो वहां से नेट चार्ज नेट चार्ज आ जाएगा विद इन द क्यूब तो अब इस क्यूब में छह फेसेस हैं तो सारे फेसेस से फ्लक्स निकालने के लिए सबका एरिया वेक्टर लिख लेते हैं तो मान लो अगर मैं फ्लक्स थ्रू द एरिया वेक्टर का लिखू एरिया वेक्टर तो एरिया वेक्टर टॉप का कितना होगा एरिया वेक्टर ऑफ या चलो पहले मैं ऐसा करता हूँ कि जेड वाले लेता हूँ तो एरिया एक फ्रंट है

एरिया वेक्टर अगर मैं लेफ्ट वाला देखूंगा लेफ्ट वाले फेस का तो जाएगा वन इंटू माइनस आई कैप तो इस कारण से फ्लक्स थ्रू द लेफ्ट सर्फेस ये कितना हो जाएगा तो फोर आई कैप डॉट माइनस आई कैप तो ये माइनस फोर हो जाएगा ठीक है जे कैप के साथ तो आई कैप का डॉट जीरो तो टर्म नहीं आएगा अब अगर मैं देखूंगा एरिया वेक्टर ऑफ टॉप सर्फेस एरिया वेक्टर ऑफ टॉप सर्फेस तो टॉप सर्फेस एरिया वेक्टर हो जाएगा वन जे कैप तो इसका आंसर अगर फ्लक्स देखूंगा फ्लक्स वन जे कैप तो फ्लक्स तो उसमें आई कैप, जो इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर आई कैप वाला टर्म है उसका जीरो तो 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 इंटू वाई स्क्वायर प्लस टू ये आएगा और टॉप पे वाई की वैल्यू कितनी है तो टॉप पे ये वाई कॉर्डेंट ये वाई कॉर्डेंट यहाँ पे वन है तो फिर वन अगर डालूंगा तो यह आ जाएगा थ्री इंटू वन प्लस टू तो यह आ गया प्लस नाइन फ्लक्स ये हो गया फ्लक्स

और इसमें मैं वाई की जगह अब डाल दूंगा बॉटम वाले सर्फेस बॉटम वाला सर्फेस जो है वहां पे वाई जाएगा थ्री इंटू जीरो प्लस टू और माइनस आई के माइनस वन यानी माइनस सिक्स माइनस सिक्स तो फिर टोटल फ्लक्सन सर्फेस अगर देखेंगे flux total, flux cube, से, तो दो फेसेस जीरो था फिर प्लस फोर माइनस फोर आया और यहां पे नाइन और माइनस सिक्स आ गया तो टोटल थ्री दिख रहा है थ्री दिख रहा है

वैसे ही टू पे हर जगह सेम होगी थ्री पे हर जगह सेम होगी बट ये डिफरेंट तो इनके पोटेंशियल अलग अलग होंगे और हमें डिफरेंस वन एंड टू के बीच में जितना है उतना ही टू और थ्री के बीच में है। अच्छा अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस देखूंगा मान लो अगर मैं वन एन टू के बीच में देख रहा हूं पोटेंशियल डिफरेंस तो क्या करूंगा माइनस बी टू तरीका क्या होगा minus V2 अगर लिखूंगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के में आता है या या तो मैं लिख लूं, या फिर electric field वाला मैं फिर e वाला उसको इंटरचेंज कर दू तो इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी फ्रॉम वन टू टू ये हो जाएगा तो ये देखोगे कि इसमें दो टर्म आ रहा है एक आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक आ रहा है

तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जैसे जैसे मैं दूर जाता हूँ पॉइंट चार्ज से तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो घटता है कि अगर मैं field, away, away, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे 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 एज एज वी वी मूव मूव अवे अवे हम दूर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो तो घटेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड घट रहा है लेकिन मुझे पोटेंशियल डिफरेंस सेम मिल रहा है तो उसके लिए जो दूसरा फैक्टर दूसरा फैक्टर क्या है उन दोनों के बीच का सेपरेशन तो सेपरेशन ज्यादा होना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया है बट स्टिल वी आर गेटिंग द सेम पोटेंशियल डिफरेंस तो फिर सेपरेशन शुड बी मोर ई घटा है तो फिर सेपरेशन ज्यादा होगा सेपरेशन शुड बी मोर शुड बी मोर फॉर सेम पोटेंशियल डिफरेंस सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, तो सेपरेशन ज्यादा होगा तो यहां पे फिर ये होगा कि T2 जो होगा दैट इज ग्रेटर देन T1, T2 इज ग्रेटर देन T1, तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा दिख रहा है तो ये सी है T1 लेस देन T2 दैट इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन

रिंग के सारे एलिमेंट्स का डिस्टेंस जो वन से है this, this तो वी टू तो आ जाएगा R, और प्लस के क्यू वन अपॉन रूट टू आर ये आ जाएगा तो वी वन माइनस वी टू अगर निकाल रहा हूं वी वन माइनस वी टू तो इसमें देखोगे तो क्या दिख रहा है कि एक तो बन जाएगा के बाई आर वन माइनस क्यू टू और प्लस के बाई रूट टू आर और क्यू टू माइनस क्यू वन कुछ ऐसा ही दिख रहा है ना तो वी वन माइनस बी टू भी आ जाएगा तो इसमें अब मैं ऐसा करता हूं कि के बाई आर बाहर निकाल लेता हूँ के बाई आर बाहर है और अंदर में क्या है क्यू वन माइनस क्यू टू और इसको मैं क्यू वन माइनस क्यू टू बनाने के लिए माइनस ऑफ क्यू वन माइनस क्यू टू अपॉन 2 लिख लेता हूं। आ जाएगा। तो थोड़ा बस, थोड़ा बस पेशेंटली इसमें उस फॉर्म में लाना है जिस फॉर्म में आंसर है गिवन। तो इसमें आप K Q1 Q2 आ जाएगा, और नीचे एक आर है और ये बन जाएगा इंटू क्यू वन माइनस क्यू टू और इंटू रूट टू माइनस वन और अपॉन रूट टू आर यह आंसर हो जाएगा तो बस पेशेंटली कैलकुलेट करना था कंसेप्चुअली तो ये क्वेश्चन था तो ये आ गया है वी वन माइनस वी टू और हमें जो वर्क निकालना उसमें क्यू से एक और मल्टीप्लाई हो तो जाएगा इसी एक्सप्रेशन में एक और क्यू आ जाएगा इसमें तो वो सही आंसर ऑप्शन बी में दिख रहा है ऑप्शन बी में ये जो है आंसर विल बी बी जो हमने उसको क्यू से मल्टीप्लाई कर देना बिकॉज बायून टू वी वन माइनस वी टू डन बाय इलेक्ट्रिक निकालना था तो उसका आया था क्यू एन टू वी वन माइनस वी टू नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो इजी था आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड टू इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस कैन नेवर इंटरसेक्ट तो ये सही है दो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस अगर हैं अलग अलग इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस अगर हैं तो दोनों पे पोटेंशियल की वैल्यू अलग अलग है तो अगर इंटरसेक्ट करें दैट मीनस एक ही पॉइंट पे दो पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी तो ये फिर ए वाला जो है ये ये गलत है है नहीं हो सकता है. दूसरा बोल रहा है हम हमें कैन नेवर इंटरसेक्ट था तो कैन नेवर इंटरसेक्ट का मतलब सही है सही है इसमें यही बोल रहा है इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है तो फिर ये वाला सही है ए ए जो है ए इज करेक्ट अच्छा इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है तो ये ध्यान रखना है तो ए जो है ए तो हमें मिल गया कि ये तो करेक्ट है ए इज करेक्ट बी अगर देख रहे हैं तो अचार्ज पार्टिकल फ्री टू तो मूव इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड शैल ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये सही नहीं है कि अगर हम चार्ज पार्टिकल को फ्री छोड़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में वो तब मूव करेगा जब वो पॉजिटिव चार्ज होगा बिकॉज पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो फिर ये स्टेटमेंट जो है ये रॉन्ग है ये रॉन्ग है और अगर सिंगल करेक्ट है तो आगे तो देखने की जरूरत भी नहीं है बट स्टिल हम एनालाइज कर लेते हैं सी जो बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ऑफ चार्ज कंडक्टर इज ऑलवेज नॉर्मल टू द तो तो ये तो एक फैक्ट होता है कि कंडक्टर के अंदर अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है और सर्फेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द दर्फेस होता है तो ये करेक्ट है दिस इज करेक्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेज अलॉंग लाइन ऑफ फोर्स इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड तो लाइन ऑफ फोर्स का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो ये तो हमने बार बार स्टेटमेंट बोला है क्लास में कि पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड

एक मान लो एक्स इक्वल टू जीरो पे भी स्मॉल क्यू और फिर ऑरिजिन पे बोल रखा है कि एक हमने चार्ज कैपिटल क्यू रख दिया तो इनिशियल सिचुएशन ये है और फिर एक और फाइनल सिचुएशन बोल रखा है कि अब हमने क्या किया है कि हमने इस क्यू को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया दैट मीनस ये दोनों चार्जेस तो यहीं पे हैं जो रखे हुए थे ये क्यू और ये क्यू तो यहीं है हमने जो बीच वाला चार्ज था उसको x जो ऑरिजिन था यानी कि x 0 था यहां से हमने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके इधर रख दिया थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया x और यहां पे रखा हुआ है यहां पे रखा हुआ है तो आप बोल रहा है कि व्हाट इज द चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम तो अगर मैं इनिशियल देखू इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जी इनिशियल तो उसमें कितने बनेंगे? तीन चार्जेस हैं, तो तीन हैं, तो दो दो के तीन पेयर्स बन जाएंगे तो एक तो एक हो जाएगा अपॉन तो ए तो q q तो q q और बाकी तीसरा वाला पेयर भी यही होगा तो ये ट्वाइस हो जाएगा और यू फाइनल अगर देखेंगे यू फाइनल तो एक टर्म ये के क्यू स्क्वायर अपॉन टू है ये वाला तो वही रहेगा दूसरा वाला जो होगा अब उनमें फर्क यह आएगा कि दोनों के कारण सेपरेशन अब डिफरेंट डिफरेंट है तो एक के कारण हो जाएगा के इन क्यू इंटू क्यू अपॉन ए प्लस एक्स हो जाएगा एक में और एक में हो जाएगा के इन क्यू इंटू क्यू अपॉन ए माइनस एक्स ये हो जाएगा ठीक है थी? तो अब इसको थोड़ा अगर हम सिंप्लीफाई ये हमें निकालना है व्हाट इज द चेंज तो चेंज को मैं इसको फाइनल माइनस इनिशियल कर देता हूं u final minus u initial. यही मैंने निकालना है तो इसमें वाला लिखता हूँ ना पहले नीचे वाला लिखता हूँ तो नीचे वाले में नीचे वाला में k q q ये तो कॉमन ही आ जाएगा और ये आ जाएगा 1 अपॉन ए प्लस एक्स माइनस ऑफ 1 अपॉन a minus x तो ये हो गया u फाइनल u इनिशियल तो 2k q q upon a ऐसा मिल रहा है ठीक है अब इसमें बस x के साथ प्रोपोर्शनलिटी देखने तो थोड़ा सिंपलीफाई करना पड़ेगा तो ये k q q और ऊपर में क्या आएगा ये a minus x और ऑफ a plus x तो ये बन जाएगा हमारे पास <coughs> uh,

Q, Q A है अब इसमें हमें X के साथ बट रखा A वाला कर था तो उसको यूज करके मैं क्या करूं कि यहां पे क्यू क्यू और टू ए ये तो बाहर आ रहा है और ये नीचे में था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो उसको अगर ऊपर लाऊंगा तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का पावर या फिर इसमें ऐसा करते हैं ना कि पहले हम क्या करते हैं चलो ए स्क्वायर को भी बाहर निकाल लेता हूं पहले इस स्टेप में हम यह करते हैं कि ए स्क्वायर को भी बाहर निकाल लेता हूं नीचे में हमने क्या किया कि यहां से नीचे पहले वन मिनट ए स्क्वायर को बाहर निकाल लिया तो फिर यह क्या बच गया वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ऐसा आ गया और ये सेकेंड टर्म तो कैरी होता आ रहा है सही ठीक है तो इसमें अब ये टू क्यू क्यू अपॉन एक के भी है और ए और यहां पे जो वन माइनस एक्स स्क्वायर स्क् ए स्क्वायर डिनोमेटर में इसको न्यूमिरेटर मिला रहा हूं माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का पावर माइनस वन और माइनस ये वाला टर्म तो एज इट इज कैरी हो रहा है अब इसको मैं बाइनोमियल एक्सपैंड कर रहा हूं और फर्स्ट ऑर्डर टर्म सिर्फ रख रहा हूं तो टू के क्यू क्यू अपॉन ए और ये आ जाएगा, minus, minus minus फिर हो जाएगा और एक्स स्क्न ए स्क्वायर और माइनस ऑफ टू के क्यू क्यू अपॉन ए तो इसमें फिर देखोगे कि यहाँ पे वन है तो फर्स्ट टर्म इसको कैंसिल कर देगा यानी कि ये वाला वन और ये फिर कैंसिल हो जाएगा तो फिर बाकी जो टर्म आ रहा है उसमें आ रहा है टू के क्यू क्यू अपॉन ए क्यू

एक्सप्रेशन आगे बढ़ा बढ़ा के और फाइनल आंसर तक पहुंचना था तो इसमें ऑप्शन देखो कौन सा नेक्स्ट तो तो ये इलेवन नंबर क्वेश्चन इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बोल रखा है कि fixed dipole moment है, विच मेक्स एन एंगल और दो केसेस हैं। एक केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ई आई कैप है तो कुछ ऐसा पास एक्स डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल दो चीजें दे रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार बोल रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में ई आई कैप है और डाइपोल बोल रहा है कि कुछ ठीटा एंगल बना रहा है तो लेट्स से हमने ऐसा ले लिया कि डाइपोल थीटा एंगल ऐसा बना रहा है ये थीटा एंगल है और दूसरे केस में बोल रहा है कि एक्स एक्सिस कुछ ऐसा है और इलेक्ट्रिक फील्ड अब जो है वो रूट थ्री जे कैप है रूट थ्री जे कैप इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इधर है

तो टॉर्क का मैग्नीच्यूड अगर देखेंगे यहां पे तो टॉर्क का मैग्नीच्यूड तो टॉर्क का मैग्नीच्यूड क्या हो जाएगा मैग्नीच्यूड ऑफ टॉर्क तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी पी क्रॉस ई तो पी ई का e मैग्नीच्यूड हो जाता है पीई साइन e पी साइन थीटा ये है ठीक है और यहां पे अगर देखेंगे दूसरे केस में तो दूसरे केस में जो एंगल है पी क्रॉस ई का एंगल एंगल अगर देखेंगे तो उसमें एंगल क्या आएगा एंगल फिर ये वाला आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच में एंगल ये वाला है तो ये वाला एंगल आएगा तो ये एंगल अब अगर देखूंगा टॉ2 का मैग्नीट्यूड तो टॉ2 का मैग्नीट्यूड जो है दैट इज पी ई पी क्रॉस ई अब ई के बीच में जो एंगल है दैट इज 90 थीटा तो पी ई sin ऑफ 90 थीटा तो ये आ जाएगा पी और cos 90 थीटा sin 90 थीटा इज cos थीटा ठीक है और दोनों केस में बोल रहा है कि जो टाउस है, मतलब है कि 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 ये ये तो तो क्वेश्चन में है यानि कि P sin theta, P e, चलो इधर मैं ही इक्वल तो e पे भी सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो गया है इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट है दूसरे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है रूट थ्री ई e है रूट थ्री तो यहाँ पे एक जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है ना उसको लेट मी करेक्ट या फिर ऐसा करता मिनट इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको मैं यहाँ पे अगर हमने ई माना है यहाँ पे रूट थ्री है तो उसको मैं ई-डैश बोल देता हूँ यहाँ पे डैश बोल देता हूँ तो यहाँ पे आ रहा है फिर चलो आगे यहाँ पे हम लिख लेते हैं यहाँ पे इडास e की वैल्यू रूट थ्री थी तो पी ई साइन थीटा एज इक्वल टू पी इंटू रूट थ्री ई कॉस्ट थीटा ऐसा तो फिर टैन थेटा अगर देखोगे तो टैन टैंटा आ रहा है यहाँ पे रूट थ्री टैन रूट थ्री आ रहा है टैन रूट थ्री आ रहा है अच्छा अगर टैन थीटा रूट थ्री है तो आंसर क्या है यहाँ पे वैसे आंसर सारे के सारे कि सारे के सारे अक्यूट एंगल्स वाले और डायरेक्शन एक बार चेक कर कि डायरेक्शन सही बैठ रहा है क्या तो अगर फर्स्ट केस मेंोगे पी क्रॉसि तो पी e क्रॉस ऐसा बन रहा है पी क्रॉसिंग e ऐसा है कि वेक्टर जो होगा, इस डायरेक्शन में होगा क्रॉकवाइजी करेंगे तो राइट हैंड रूल से आ जाएगा सेकंड वाले पी क्रॉस ई करोगे तो वो कुछ इधर आएगा बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड

तीन मेटल प्लेट्स को ऐसे पैरल रख दिया है सेपरेशन ए एंड बी है आउटर प्लेट्स को हमने आपस में कनेक्ट कर दिया और बीच वाले प्लेट पे हमने चार्ज क्यों रख दिया यहाँ पे चार्ज है तो फिर हमें बताना है कि चार्ज ऑन द इनर फेस ऑफ प्लेट सी जहां पे वॉट का सिंबल बना रखा है उसमें बताना है चार्ज तो चार्ज ऑन सिस्टम तो क्यों ही है बिकॉज हमने सिर्फ बी वाले प्लेट पे चार्ज दिया तो टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम इज क्यू तो फिर सबसे बाहर वाले सर्फिस पे क्यू बाई टू और यहाँ पे क्यू बाई टू आ जाएगा अब जिस पे हमें चार्ज पूछा गया अगर इस पे चार्ज मैं एक्स मान लू इस पे अगर एक्स मान लू तो इस पे अगर एक्स माना है तो इसके सामने वाले सर्फेस वाले सर्फेस पे हो जाएगा मान लो मैं मैं पे लिख रहा हूं। तो ये चलो थोड़ा क्यू प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स हो जाएगा ठीक है क्योंकि टोटल चार्ज क्यू है तो दोनों सर्फेसेस का मिला के क्यू होना चाहिए तो फेसिंग इक्वल एंड निकलोजिट चार्ज तो हमने जिस पे पूछा गया था उसको एक्स मान लिया तो सामने वाले पे माइनस एक्स हो गया और फिर इस बी प्लेट पे चार्ज कंजर्व करके दूसरे सरफेस पे क्यू प्लस एक्स आ गया तो इसका इस वाले सरफेस पे चार्ज कितना आएगा तो ये आएगा माइनस ऑफ क्यू प्लस एक्स अगेन फेसिंग सर्फेस है अपोजिट चार्ज ठीक है ऐसा बन गया B वाले पे हम चार्ज क्यों कंजर्व कर पा रहे थे बिकॉज B वाले पे हमने कहीं से कनेक्शन नहीं किया है C और A जैसे C पे मान लो पहले तो चार्ज हमने नहीं दिया था लेट से न्यूट्रल अगर रहा होगा पहले हमने चार्ज नहीं दिया बट कनेक्टेड होने के कारण सी पे चार्ज अब जीरो टोटल नहीं रहेगा वो तो कुछ फ्लो कर सकता है तो हमें वही बताना है तो इसमें अब क्या करेंगे कि हम अगर जिनको कनेक्ट किया उनके बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को जीरो कर देंगे पोटेंशियल डिफरेंस को जीरो कर देंगे तो इसमें ऐसा करते हैं ना कि अगर मैंने इसको एक्स इधर मान लिया है मतलब राइट वाला प्लस एक्स दिख रहा है लेफ्ट वाला माइनस एक्स दिख रहा है बी और सी के बीच में तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मैं ऐसा ले लेता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ले लेता हूँ इधर ले लेता हूँ और इसको मैं बोल देता हूँ ई वन तो ईवन की वैल्यू कितनी हो जाएगी ईवन की वैल्यू वन हो जाएगा

एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो finally जब X की वैल्यू आ जाएगी तब पता चलेगा अभी हमने एक्स मान रखा था तो मैंने तो अभी हम दोनों जगहों पर लेफ्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं तो फिर उसको यूज करके जैसे अगर मैं इवन यूज कर रहा हूं तो इवन यूज करके वीसी माइनस वी बी तक पहुंच जाऊंगा और वो आ जाएगा वीबी माइनस वी ए

और vc va को हमें जीरो कर देना बिकॉज़ हमने कनेक्ट किया हुआ है आपस में तो आपस में कनेक्ट करने का मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो यहां से फिर आ जाएगा a ε0 उधर चला जाएगा तो ये आ गया bx plus qa plus ax जीरो। ऐसा कुछ आ रहा है तो यहां से हमें x बताना है तो x की वैल्यू क्या आ रही है Minus of qa a b ये x की वैल्यू आ रही है माइनस ऑफ़ अपॉन तो इसमें देखो फिर ऑप्शन कौन सा एक्स एक जो हमने जिस सरफेस पूछा गया किसी और को मान लिया होता मान लो किसी भी सर्फेस पेक्स मान सकते हैं किसी भी सर्फेस पेक्स मान लिया तो तुमने अगर मान लिया और लेकिन फिर ये ध्यान रखना कि किस पे गया है तो अगर एक्स किसी और सर्फेस में माना गया तो उसको यूज करके जिस सर्फेस पूछा गया वो निकालना है जैसे अगर यहीं पे क्वेश्चन होता है हमसे पूछा मान लो ए के राइट वाले सर्फेस में पूछा जाता है तो हमने एक्स निकाला बट हम आंसर जो करते हैं हो माइनस ऑफ क्यों प्लस एक्स करते है। तो ये ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन में सही सब कुछ सही निकालने के बावजूद आंसर गलत कर सकते हो ठीक अगर तुम थोड़ा ये नहीं ध्यान दोगे कि किस सर्फेस पे तुमसे चार्ज पूछा गया है और जैसा मैं बोल रहा था ना कि एक्स पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकता है तो यहाँ पे क्या है यहाँ पे एक्स नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव आ रहा है तो एक्चुअली में जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा

ऐसा एक्सेस बना लिया वाई और एक्स बना लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड है फोर आई क्या प्लस जे क्या और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मान लो किसी भी पॉइंट पे से मैं अगर किसी भी पॉइंट पे फील्ड 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 देखूंगा से हर जगह फिल, कुछ एक ही डायरेक्शन में होगा तो अगर मान लो मैं ऑरिजिन पे ही बना लू तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिख रहा है वो फोर आई क्या प्लस सिक्स जे क्या दिख रहा है तो कुछ ऐसा होगा ना ये फोर आई क्या, क्या प्लस सिक्स जे क्या सॉरी फोर आई क्या प्लस जे क्या तो कुछ इस तरह का होगा कुछ इस तरह का होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इधर होगा कि अगर तुम एक्स में जाओगे अगर फोर यूनिट्स तो ये ये फोर कुछ है तो यहां पर वन यूनिट क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कॉम्पोनेट दिख रहा है वन और एक्स दिख रहा है फोर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हो तो अगर स्लोप देखोगे तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ये एक तरह से ठीठा है टैन ठीठा टैन ठीठा एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है तो टैन ठीठा आ जाएगा वन बाई फोर वन बाई फोर आ जाएगा टैन ठीठा ठीक है और टा वन बाई फोर है तो अब हमें बोल रखा है कि किस लाइन के लॉन्ग मूव कराएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो वर्क करेगा तो जीरो वर्क करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कराना पड़ेगा तो परपेंडिकुलर के जो दूसरा लाइन है उसका स्लोप कितना होना चाहिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी मान लो अगर मैं इसी लाइन के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड मान लू तो इस लाइन का स्लोप है वन बाई और मुझे एक और लाइन चाहिए जिसका स्लोप जो इसके परपेंडिकुलर चाहिए तो परपेंडिकुलर के लिए क्या होता है एम वन हो जाता है परपेंडिकुलर लाइन के लिए तो एक हमारे पास वन बाई है

तो ये चेक करना था कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में होगा तो जिस लाइन के बारे में पूछा गया वो उससे परपेंडिकुलर चाहिए था तब जाके मैं उस लाइन के लॉन्ग डिस्प्लेस करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कोई वर्क नहीं करेगा ठीक है लास्ट क्वेश्चन तो ये क्वेश्चन अगेन अच्छा तो है बट हमने क्लास में कर रखा था इस तरह का क्वेश्चन क्लास में ऐसा किया हुआ तो यहां पे इक्वली स्पेस्ड और पर

सर्फेस के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे तो वो आपस में पैरल रहेंगे और जैसे बढ़ेंगे तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है जैसे अगर हमने मान लो मान लो मैं यहाँ पे एक पॉइंट एक मैं इसी में दिखा देता हूँ फिर उसका थोड़ा इलाज नीचे दिखा दूंगा कि मैंने अगर एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया लेट से मैं एक पॉइंट यहाँ लेता हूँ इसको बोलता हूँ पॉइंट ए और एक पॉइंट मैंने यहां पे ले लिया पॉइंट बी ठीक है तो मैं थोड़ा सा इनलाज नीचे दिखा रहा हूं तो नीचे ये ये एक एक्सिस है और ऐसा ये वाला सरफेस जो है दो दो लिए एक और ये डिग्री एंगल है है तो एक ये दस वोल्ट वाला और एक सरफेस थोड़ा सा सेपरेट मैं इनलाज बना रहा हूँ तो दूसरा सरफेस ये है 20 वोल्ट वाला हमने ए पॉइंट यहाँ ले रखा है और इससे 90 डिग्री पे जा रहे हैं तो दूसरा पॉइंट हमने यहाँ पे ले रखा है बी पॉइंट और ये एंगल 30 डिग्री है ठीक है और ये डिस्टेंस जो है 10 और 20 यानी कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो ज्योमेट्री से दिख रहा है कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है दैट इज 10 और 10 यूनिट्स क्या है आई थिंक सेंटीमीटर से हाँ सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर अच्छा तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा ये वाला लेंथ ये वाला लेंथ हो जाएगा 10 sin 30 डिग्री

तो फाइव सेंटीमीटर के लिए हम क्या करेंगे ये फाइव अपॉन हंड्रेड मीटर्स में ऐसे यूनिट में डाल देंगे तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है टेन ट्वेंटी 10 तो यह आ जाएगा हमें टू हंड्रेड तो टू हंड्रेड ऐसा मीटर बोल सकते हैं डायरेक्शन क्या है तो ये एंगल तो नाइन्टी डिग्री था और ये थर्टी डिग्री है तो ये एंगल फिर सिक्सटी डिग्री हो जाएगा और ये एंगल अगर सिक्सटी डिग्री है तो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है तो उसमें तो ये वाला एंगल तो दिस एंगल इज वन ट्वेंटी डिग्री तो अगर के के साथ साथ एंगल 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 पूछा पूछा गया गया ना तो बाई वो के साथ पूछा गया। तो तो से जो बन रहे है, that is 120 degree. और magnitude -wise आया है, हमारे पास 200 volts per meter. तो फिर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन सी ठीक है तो ये हमारा डिस्कशन कंप्लीट हो गया और ये क्विज uh, में दस क्वेश्चन तो तुमसे हो जाने थे नॉट नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्विज तो आई होप थोड़े अच्छे से तैयारी की होगी रिवाइज करके आएंगे, उनका ये पेपर अच्छा हो गया होगा ओके थैंक यू